हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि अब गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है। जैसे कि सिल्वर के अंदर तो दोस्तों बढ़िया वाली तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन गोल्ड के अंदर ऐसा कोई भी मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला। तो गोल्ड के अंदर क्या ऐसा मूवमेंट आएगा, तो आएगा तो कौन से लेवल के बाद, सारे जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से सुनना। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों उसके सपोर्ट के ऊपर। तो गोल्ड के लिए पहला जो सपोर्ट है वो आपको ध्यान में लेना है 48,985 का लेवल। अगर गोल्ड ये लेवल को काटता है दोस्तों, तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग लगभग 48,554 तक, ठीक है, 400 450 पॉइंट के नीचे। अब ये जो लेवल है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से अगर टूटता है गोल्ड के अंदर और क्लोजिंग ये लेवल के नीचे करता है, डार्क लेवल में बता रहा हूँ, तो फिर गोल्ड को थोड़ा सा रुक पाना मुश्किल है। फिर 48,000 और वो लेवल अगर काटता है तो फिर उसके नीचे जो है वो हमें लगभग लगभग एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और ये जो फॉल है दोस्तों, वो आप मान के चलो 47,526 तक हो सकता है। तो मेरा क्या मानना है, मेरा मानना यही है दोस्तों, अगर गोल्ड गोल्ड जो है वो क्लोजिंग करता है 48,554 के लेवल के नीचे, तो ये ऑब्वियसली सेल का कैंडिडेट बनता है, सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 48,985 का लेवल, 49,000 राउंड फिगर पकड़ के चल सकते हो। वो लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो हमें वहां से उसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, ठीक है, ये मेरा पहला ओपिनियन है। अब अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है तो कौन से लेवल ध्यान में लेने चाहिए, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गोल्ड के दोस्तों ऊपर के लेवल जो है वो पहला आपका रेजिस्टेंस, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,321 का लेवल। अगर गोल्ड ये लेवल को सस्टेन करता है दोस्तों, तो संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी कि गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है। और अगर गोल्ड ने ये लेवल को सस्टेन कर लिया ऊपर की तरफ, लेवल जो है वो मैं आपको डार्क करके बता रहा हूँ, वो है 49,743। अगर गोल्ड ये लेवल को काट देता है दोस्तों, तो आपको एक बढ़िया वाली रैली जो है वो फिर से देखने को मिल सकती है। जैसे सिल्वर के अंदर आपने देखी, वैसा ही आप गोल्ड के अंदर भी देख सकते हो। तो बी केयरफुल, ध्यान रहे दोस्तों, अगर गोल्ड 49,743 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर काट के सस्टेन करता है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये बाय का कैंडिडेट बनेगा और हमें इसको बाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई भी दोस्त अगर इसको बाय करना ना चाहे, दैट्स योर ओन डिसीजन। लेकिन दोस्तों अगर ये लेवल को सस्टेन करे तो गलती से इसको सेल मत कर देना, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, में मेरा जो सजेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। फिर 50,122 और उसके ऊपर जो है 50,300, 50,952,000, धीरे धीरे करके ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। कुछ भी जो भी चेंज होगा वो हम हमारे लाइव ग्रुप के अंदर जरूर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के बारे में। लास्ट वीक के अंदर जो है वो थोड़ा एक्सपायरी का इफेक्ट था, तो बड़ी पोजीशन सेटल होती है। हर वक्त जो है वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि जब भी एक्सपायरी का टाइम हो तो हो सके तो महीने के एंड में आप जो है वो थोड़ा सा दूर रहोगे तो फायदा रहेगा। अदरवाइज पूरे महीने में आपने जो भी कमाई की है वो पूरा लास्ट वीक के अंदर जो एक्सपायरी का होगा 2-4 दिन के अंदर वो पूरा ले जाएगा। तो मौका दोस्तों मार्केट के अंदर हर वक्त मौजूद होता है, हमें जो है वो थोड़ा फाइंड करना आना चाहिए, थोड़ा सा लर्निंग की जरूरत है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली गोल्ड के सपोर्ट और टारगेट के बारे में चार्ट के ऊपर। अब हम एग्जैक्ट कौन से ट्रेडिंग के लेवल जो है वो ध्यान में लेने चाहिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो लाइव कॉल MCX के अंदर, जैसे कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा MCX ग्रुप। ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है। वो लिंक अगर आप ओपन करोगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहां पर स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। जो ग्रुप की फीस है दोस्तों वो है 1,500 रुपये 30 दिनों के लिए, और
ये ग्रुप के अंदर आपको इंट्राडे में जहां पर मौका होगा साथ में पोजिशनल दोनों ही टाइप के जो ट्रेड है वो मिलेंगे। तो आज ही अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो ओपन करके हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल्ड के लिए पहला सपोर्ट रहेगा दोस्तों हमारे लिए 48,900 का लेवल। अगर ये लेवल जो है वो ब्रेक होता है गोल्ड के अंदर तो फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग 48,510 के लेवल तक। ये लेवल दोस्तों आप फाइनल मान के चलो गोल्ड के लिए। अगर ये लेवल काटता है और गोल्ड का क्लोजिंग जो है वो ये लेवल के नीचे हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना 48,510 का जो लेवल है उसके नीचे अगर गोल्ड का क्लोजिंग हो जाता है तो एक बड़ी गिरावट आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बी केयरफुल, ध्यान रहे दोस्तों। बड़ी गिरावट मतलब आप जो है वो समझ सकते हो, लगभग लगभग हम 47,500 से लेके लगभग लगभग 46,000 तक भी जा सकते हैं। और अगर गोल्ड ये लेवल को काटता है और सेल करते हो आप तो फिर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 49,800 का, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो आपको ध्यान में लेना चाहिए। अगर नियर बाय स्टॉप लॉस की बात करें तो 49,300 का भी आप ले सकते हो अगर सेफ साइड के ट्रेडर हो तो। चलिए, तो ये हमने बात कर ली 48,510 फाइनल सपोर्ट है, वो अगर काटता है तो 48,215 तक जा सकते हैं। और वो लेवल भी अगर काटता है नीचे की तरफ तो 47,695 का जो लेवल है वहां तक हम गिर सकते हैं। बात कर लेते हैं टारगेट की। टारगेट में दोस्तों नंबर 1 जो टारगेट रहेगा हमारे लिए गोल्ड के अंदर वो रहेगा 49,500। अगर ये लेवल को गोल्ड काटता है ऊपर की तरफ तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, जिन भी दोस्तों के पास शॉर्ट पोजीशन है वो। अगर ये लेवल काट के सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो गोल्ड के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। 49,845 लास्ट जो हो पे, जिन दोस्तों के पास गोल्ड के अंदर शॉर्ट पोजीशन है उनकी बात है, ठीक है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें दोस्तों तो गोल्ड के अंदर जो है वो हमने जो है हमारे ग्रुप की चर्चा करें तो हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर लेवल था हमारा 48,500 जो आपको बताया है, वो अगर काटता है तो ये गिरावट हो सकती है, लेकिन पूरे वीक के अंदर वो लेवल नहीं काटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसी मूव आती है नीचे की या ऊपर की, वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपको खास फोकस करना है। तो वो लेवल अगर आप निकालना चाहते हो, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स है दोस्तों, वो सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी ऐसे लेवल निकालने आ जाएंगे और साथ में लर्निंग भी होगा और अर्निंग भी होगा, वहाँ पर लाइव कॉल भी आपको मिलेंगे हमारी तरफ से। चलिए, 49,845 वो अगर नीचे की ऊपर की तरफ काटता है तो 50,045 के आसपास जा सकते हैं, और उसके ऊपर 50,400, और फिर तो ये ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ता जाएगा। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी कुछ चर्चा होगी वो हम हमारे ग्रुप के अंदर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डॉलर टर्म प्राइस के ऊपर। नंबर 1 सपोर्ट इन डॉलर टर्म प्राइस फॉर गोल्ड इज 41,838.55, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक देन वी कैन सी सम मोर करेक्शन इन गोल्ड अराउंड 1825 लेवल। ओके, 1825 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल लेवल फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। अलर्ट इफ गोल्ड कैन ब्रेक 1825 लेवल। ओके, अलर्ट इफ गोल्ड कैन ब्रेक 1825 लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस देन वी कैन सी सम शार्प फॉल अराउंड 1805 लेवल टू 1795 लेवल। सो इट्स अ सपोर्ट साइड फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टारगेट साइड। नंबर 1 टारगेट फॉर गोल्ड इज 1860 लेवल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
लेवल फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक. इफ दिस लेवल कैन सस्टेन देन वी कैन सी सम गुड रैली इन गोल्ड. देन वी सी अराउंड 1880 लेवल इन गोल्ड विच इज अ फाइनल टारगेट फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक. आफ्टर सस्टेनिंग दिस लेवल वी कैन सी 1889 लेवल एंड देन वी कैन सी 1905 लेवल. सो इट्स अ सपोर्ट एंड टारगेट साइड फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक इन डॉलर टर्म प्राइस एज वेल एज MCX प्राइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दोस्तों अगर आप चाहते हो नेचुरल गैस सिल्वर गोल्ड निकल कॉपर क्रूड ऑयल फ्यूचर स्टॉक में साथ में कैश में भी ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी और करेंसी के सारे जो लाइव अपडेट अगर आप चाहते हो तो जैसे ही आप हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करते हो तो अगले 3 महीने तक आपको इन सभी के अंदर लाइव मार्केट के अंदर लाइव अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे. तो आपको करना क्या है, सिंपल दोस्तों हमारा कोर्स सब्सक्राइब करना है. प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है. कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड किया है. आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहां पर स्टोर का ऑप्शन होगा और वहां से आप जो है वो हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हो तो उसके साथ साथ 3 महीने तक ये सबके अंदर जो है वो आपको लाइव अपडेट मिलेंगे. तो दोस्तों आज ही फायदा उठाए, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का, लर्निंग भी होगी और साथ में अर्निंग भी होगी.